तो दोस्तों, कल आपने अगर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देखे होंगे तो कल रात को एक न्यू नोटिस यूजी कोर्स के लिए जो चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम करने के लिए उनके लिए एक न्यू नोटिस जारी की गई थी। अगर आपने नहीं देखी तो अगर आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आओगे और जहाँ से आप लॉगिन करने के लिए मतलब क्लिक करते हो, देखो यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ आपको आवेदक लॉगिन और कॉलेज लॉगिन के नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पर नोटिस आपको जारी की गई है। यहाँ आप मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए व्यू नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन फ्रॉम 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर वेरियस यूजी पास अर्थात रेगुलर कोर्स के लिए बीए बीएससी बीकॉम को। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको न्यू नोटिस यहाँ पर दिखेगी। चलिए मैं बताता हूँ न्यू नोटिस से किस किस के लिए निकला है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ ये न्यू नोटिस पे, साथ यहाँ पर डेट देखिए, यहाँ पर डेट कल की आपको मिलेगी 2 तारीख 9वां और 19वां महीना वाली, ठीक है। या यहाँ देखो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर कि द ऑफर लेटर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि द ऑफर लेटर फॉर एडमिशन इन यूजी पास कोर्स फॉर बीए बीएससी एंड बीकॉम, मतलब कि उन लोगों के लिए जो यूजी पास कोर्स, ठीक है, बीए बीएससी एंड बीकॉम चाहते हैं करना, उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर कोर्स चाहते हैं करना, उनका ऑफर लेटर फॉर द एकेडमिक सेशन 2019 से लेकर 22 तक में मे बी डाउनलोडेड फॉर्म, मतलब उनका डाउनलोड हो सकता है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कंफर्म हो जाएगा, उनको डाउनलोड हो भी सकता है, जो कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। फॉर्म द एप्लीकेंट लॉगिन आईडी एंड एडमिशन मे बी टेकन फ्रॉम 3 से लेकर 9 तक, मतलब कि अगर आपको अपना लॉगिन करते हैं, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम चाहते हो करना, अगर आप लॉगिन करते हो, ठीक है, लॉगिन करने के बाद अगर आपकी ऑफर लेटर आ चुकी है तो आप 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या है चक्कर समझ लीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जिनका 5th मेरिट लिस्ट में नाम आया था, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिनका 5th मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत कम डेट दी गई थी 29, 30, 31, उस बीच में एडमिशन अगर नहीं ले सके तो उनको भी मौका दिया गया है 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में एडमिशन वो ले सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर समझिएगा आप लोग दोस्तों से कि वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक भी 5th मेरिट लिस्ट पर भी नाम नहीं आया है, अगर वो आवेदक लॉगिन पर जाकर लॉगिन करते हो तो अगर उनका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, उनको ऑफर लेटर मिल चुका है, उनका मेरिट लिस्ट नाम भी था, ऑफर लेटर उनका मिल भी चुका है, तो वो जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है मे बी, यहाँ कंफर्म नहीं कहा गया है, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट का नहीं आया है। जिन जिन स्टूडेंट का आया है उनको 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रेगुलर चेक करती रहनी है, उनका अगर होना होगा एडमिशन तो उनका हो जाएगा। जैसे कहने का था, अगर आप 3 तारीख आज हो गया तो आज शाम से अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो अगर आपकी ऑफर लेटर आ चुकी है तो जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। और बशर्ते अगर आज नहीं आई तो आपको 4 को या फिर 5 को फिर 6 को मतलब आपको रेगुलर चेक करती रहनी है, कभी भी आपकी ऑफ लेटर आ सकती है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिनका हो चुका है वहाँ कुछ नहीं आएगा, जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है उनको मतलब कि ऑफर लेटर मे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है। अब ज़्यादा बात को नहीं लंबा खींचते हुए मैं आगे चलता हूँ। देखिए आगे एक नोटिस और दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट जो है सो एफिलेटेड कॉलेज में, ठीक है, जो स्टूडेंट जो है सो चाहते हैं एडमिशन लेना एफिलेटेड कॉलेज। अब ये क्या होती है एफिलेटेड कॉलेज, तो दोस्तों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे मतलब कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर चाहते हो करना, तो मतलब पता करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो, जिसका नाम है आपको एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप यहाँ वेबसाइट पर अगर आप आते हो तो डायरेक्ट यहाँ से आके मेरा मतलब हर नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं देखिए दिखा देता हूँ, जैसे मेरा यहाँ व्यू ब्लॉक कर लिया, और अगर आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो नीचे देखो आपको रिसेंट पोस्ट में ही मिल जाएगी। खैर यहाँ मैंने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ बता दी, देखिए यहाँ पर है ना आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कोर्स फी स्ट्रक्चर। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही जो है सो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपको आपको हर कॉलेज के बारे में यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा। तो ये वाली आप पोस्ट हो सके तो एक पढ़ लेना, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट भी जाकर देख लेना, और अगर कॉलेज पसंद हो तो आप एफिलेटेड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकती हो। लेकिन मेरे ख्याल से एफिलेटेड कॉलेज में आप एडमिशन मत लेना क्योंकि उसकी मान्यता कभी भी रद्द हो सकती है, और चाहे तो वो आपकी मर्जी है। बस यही थी न्यू नोटिस, और ज़्यादा वीडियो को लंबी फालतू में नहीं चाहता हूँ खींचना, बस यही न्यू नोटिस आपको बताना चाहता था। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने बताया मुझे कि सर न्यू नोटिस जारी की गई है, उनका नाम है यशदेव विवर्धन जी, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आप आगे की नोटिस ऐसे ऐसे पाने के लिए आप हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले बटन क्लिक कर लीजिए। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।